नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों एक शानदार अपडेट आ रही है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से। ITI की लगभग 12-13 ट्रेड के लिए वैकेंसी जारी की गई है। कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके बारे में एक एक करके सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले है। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहां पर भी मैं शेयर करता रहता हूं, छोटी बड़ी जो भी अपडेट होती है टेलीग्राम चैनल पे आपको सबसे पहले मिल जाएगी, कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपन वैकेंसी के बारे में। अगर अपन दोस्तों बात करें ना, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था इनकी तरफ से, अपन देखें तो ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन नंबर था 96/2023, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन था इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2023 रखी गई थी। बहुत शानदार है उस तरह जो बच्चे इलिजिबल है जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था। खास बात यह है कि यहां पे इनकी तरफ से एक दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पे अपन ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हुए, अपन यहां पे देखें तो इन्होंने जैसे कि लिखा दोस्तों, नोटिफिकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहां पे नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है जैसे कि 96/2023, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन था इसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। यहां पे क्लिक करके आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। मैं ऑलरेडी इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुका हूं। यहां पे अपन इनका नोटिफिकेशन देखें ना, जो इन्होंने डेट एक्सटेंड करने के लिए जो जारी किया है इनका, ये देख लीजिए सेम नोटिफिकेशन नंबर है। यहां पे अप्लाई करने की जो डेट है 17/9/2023, यानी कि इसी महीने की 17 तारीख तक आप अभी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। जो आवेदन नहीं किए पहले उन्हीं को अब आवेदन करना है। कौन सी वैकेंसी के बारे में यहां पे बात हो रही थी, यहां पे आप देखोगे दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन की यहां पे बात हो रही है। देखिए वैकेंसी के बारे में अगर अपन बात करें ना, ट्रेड वाइज वैकेंसी दे रखी है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए टोटल मिलाकर के यहां पे 3 वैकेंसी रखी गई है। फिटर ट्रेड के लिए टोटल मिलाकर के 6 वैकेंसी है। उसके बाद में पाइप फिटर है, इसके लिए भी टोटल मिलाकर के 10 वैकेंसी रखी गई है। रिगर के लिए भी यहां पे 4 वैकेंसी रखी गई है। सारी की सारी वैकेंसी आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, 60 साल तक की आपकी नौकरी रहने वाली है, कोई भी आपको टेंशन नहीं है। उसके बाद में कंपोजिट वेल्डर ट्रेड है, उसके लिए भी टोटल यहां पे 3 वैकेंसी रखी गई है। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर है, उसके लिए टोटल यहां पे 14 वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन के लिए यहां पे टोटल 5 वैकेंसी रखी गई है। कारपेंटर के लिए 4 वैकेंसी रखी गई है। इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर के लिए 3 वैकेंसी रखी गई है। मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 1 वैकेंसी है। और पेंटर ट्रेड के लिए यहां पे जो वैकेंसी रखी गई है टोटल यहां पे 5 वैकेंसी रखी गई है। और उसके बाद में एक नॉन टेक्निकल वैकेंसी, ITI की टोटल 11 ट्रेड है, टोटल मिलाकर के यहां पे 60 वैकेंसी रखी गई है। तो कुछ इस हिसाब से वैकेंसी के बारे में। उसके बाद में जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए भी यहां पे वैकेंसी रिजर्व की गई है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में नहीं बता पाया, देखिए ये जो वैकेंसी है SC ST और OBC और उसके बाद में जो विकलांग है ना उनके लिए स्थायी कर्मचारियों की भर्ती, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन में आपके पास में अप्रेंटिसशिप होनी जरूरी है, चीज ध्यान रखना, और 1 साल का शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी यहां पे कंपलसरी रखा गया है। तो खास तौर से जिन बच्चों के पास में शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है तो उनके लिए जबरदस्त अवसर है, क्योंकि यहां पे फॉर्म भी बहुत कम भरे जाएंगे, और पहले इन्होंने बहुत कम फॉर्म भरे गए होंगे इसीलिए इन्होंने डेट को एक्सटेंड किया है। तो आपके लिए जबरदस्त अवसर है अगर आप इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह के क्राइटेरिया को पूरा करते हो। फिटर ट्रेड के बारे में बात करें तो ठीक इसी हिसाब से फिटर की अप्रेंटिसशिप और 1 साल का एक्सपीरियंस है। पाइप फिटर है, इसके लिए भी यही क्राइटेरिया दिया गया। रिगर के लिए रिगर ट्रेड वाले आवेदन करेंगे। कंपोजिट वेल्डर है तो इसमें वेल्डर से संबंधित कई सारे ट्रेड दी गई है जिसमें आपके पास में अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी हिसाब से अलग अलग ट्रेड के लिए आप देख लीजिए, कारपेंटर ट्रेड है, उसके बाद इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर है, मशीन है, पेंटर है, ठीक है, इन सब के लिए आपके पास में अगर अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके पास में जबरदस्त अवसर है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन भी नहीं होने वाला है। बाद में एक्सपीरियंस के यहाँ पे नंबर भी है, जैसे कि जिनके पास में 1 से लेकर 2 साल का एक्सपीरियंस है उनको 8 नंबर यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के मिलेंगे। जैसे जैसे एक्सपीरियंस के साल बढ़ते जाएंगे आपके,
उसी हिसाब से आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। सैलरी के बारे में बात करें तो 17,000 आपकी बेसिक रहेगी, कुल मिला के अपन देखें तो 30,000 रुपए के आसपास मंथली सैलरी और अदर अलाउंसेस वगैरह मिल जाएंगे। 38 साल तक के बच्चे इसके अंदर आवेदन करेंगे। 1 जुलाई 2023 यहां पे कट ऑफ डेट रखी गई है। बाकी एससी एसटी है, ओबीसी है, उनको अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, आपका एक रिटर्न टेस्ट होने वाला है, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होगा। तो रिटर्न टेस्ट और रिटर्न टेस्ट जो है ना, ये रहेगा आपका, इसका वेटेज रहेगा 60% और जो आपके एक्सपीरियंस के नंबर है उसका वेटेज रहने वाला है 40%। तो इस हिसाब से दोनों का वेटेज मिला करके आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में एक्सपीरियंस जो है, इन दोनों के नंबर मिला करके आपको ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 1:5 यानी कि जितनी वैकेंसी उसके 5 गुना बच्चों को इनके द्वारा बुलाया जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो 60 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। अब पेपर के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाएगी वो भी आगे इन्होंने दे रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। 100 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज केवल ओबीसी वाले बच्चों से है। 80 एसटी विकलांग से कोई भी यहां पे चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको आवेदन करते टाइम केवल सिग्नेचर है और उसके बाद में एक आपका फोटो है, दो ही चीजें यहां पे अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। कोई तीसरी चीज आपको यहां पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको सारे डॉक्यूमेंट है वो शो करने पड़ेंगे, ठीक है। और आगे इन्होंने बता रखा है, पेपर के बारे में भी बता रखा है, जिससे कि यहां पे जनरल नॉलेज है, इसके 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ के आपसे 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ के टॉपिक भी दे रखे हैं, 5-6 टॉपिक है। टेक्निकल नॉलेज के आपसे 20 नंबर के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ इस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। जो बच्चे इलिजिबल है इसके अंदर आवेदन जरूर कर दीजिएगा, बहुत कम यहां पे कंपटीशन रहने वाले है। और जो बच्चे इलिजिबल नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए इसमें भी और भी अच्छी अच्छी अपडेट लेके आता रहूंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी अच्छी अपडेट आपके लेके आता रहूंगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहां पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जो भी नोटिफिकेशन आएंगे सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।